कलाकृतियों से आपने आशीर्वाद दिया है, चाहे गीतकार के रूप में किसी को, कलाकार के रूप में किसी को, गायक के रूप में किसी को, हीरो के रूप में किसी को, डायरेक्टर के रूप में, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, आपका आशीर्वाद हर एक आदमी के कर्तव्य के अनुसार मिला है और मिलता रहेगा, ये तो भरोसा की बात है। आपने भरोसा से सबको जीता है। हम लोग भी आपके चरणों में, आपके कदमों में मेहनत करते हैं और आपके सामने चीज़ों को परसते हैं। और जिस फिल्म की इस टाइम डबिंग चल रही है, उस फिल्म का नाम है लाल इश्क। लाल इश्क का मतलब, जैसे लाल का मतलब ही होता है लालिमा से भरा हुआ, इश्क का मतलब होता है रोमांस। तो ये हमारी रोमांटिक फिल्म है, रोमांस से भरी हुई है। और इसके हीरो मेन लीड में काम करने वाले हमारे भाई अजय दीक्षित जी हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के सामने फिल्म का सारा भार लेके डायरेक्टर चलता है, और एक बहुत पदस्थ और अपने को प्रूव करने वाले जो राइटर हैं हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी, पहली बार ये अपनी ही चीज़ों को डायरेक्शन के बदौलत आपके सामने परोसने जा रहे हैं। तो इनके पर भरोसा इसलिए कि जिस कहानी को खुद लिखे हैं, तो उस कहानी को कैसे प्ले करना होगा, कैसे दिखाना होगा, इनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है जरूरत है। लेकिन एक चीज और है कि हमारे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, रीढ़ की हड्डी, किसी भी फिल्म की रीढ़ की हड्डी म्यूजिक होती है। क्योंकि हम मनोरंजन करने जाते हैं, मन धन रंजन। रंजन का मतलब होता है आनंद, मन मतलब मन, मन का आनंद ही मनोरंजन है। हम समस्याओं को लेकर अगर थिएटर में जाते हैं तो ये मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम तो वहाँ रिलैक्स होने जाते हैं। तो उसमें एक मनोरंजन है, मनोरंजन का एक बहुत बड़ा भाग हमारा संगीत है। तो इसमें हम लोगों ने, हम और हमारे छोटे भाई आजाद सिंह नाम से आप चिर परिचित हैं, प्यारे लाल यादव, मैं, गीत हम लोगों ने लिखा है और कोशिश किया है कि आप लोगों को खुश करें, सिनेमा को पुश करें हम लोगों का गाना। और एक खुशी की और बात है कि हमारे छोटे भाई आजाद सिंह, जितने भी गाने हम लोगों ने लिखा, हमने तो शब्द लिख करके दे दिया, सिचुएशन पढ़ा दिया डायरेक्टर को, बोले हमारे सिचुएशन में सारे शब्द हैं, लेकिन शब्दों को संगीत में पिरोना सबसे बड़ा कठिन काम है। क्यों? कि हम ये तो आम भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ, इसको अगर कोई लयबद्ध कर देगा तो वो सबसे बड़ा कमाल की बात है। किस तरह का सॉन्ग तो है, अगर बात करें। इसमें गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं और इसको संगीत से और लयबद्ध से किया है हमारे छोटे भाई आजाद सिंह ने, और इनको भी आशीर्वाद चाहिए। और एक दो गाना अनुज जी भी किए हैं, और हम चाहेंगे कि इन लोगों को आशीर्वाद मिले, हमको आशीर्वाद मिले। और गाने सिचुएशन के अनुसार रोमांटिक भी हैं और इसमें आइटम सॉन्ग भी हैं, सिचुएशन वाले भी हैं, फैमिलियर भी गाने हैं, और कहानी तो कमाल की है। कहानी का तुरुप का पत्ता तो नहीं खोला जाता है, लेकिन इतना मैंने बता दिया, लाल इश्क अपरिमित रोमांस, रोमांटिक फिल्म। कितने गाने होंगे इस फिल्म में? इस फिल्म में मिला जुला करके 8 गाने हैं, और 8 गाने के अलग अलग वैरायटी हैं, आपको 8 तरह से आनंद देंगे और फिल्म में अपने आप को साबित करेंगे। किस किसने गाए हैं गाने? इसमें मोहन राठौर जी गाए हैं, इंदु सोनाली जी गाई हैं, और कुछ गायक अभी गाने वाले हैं, अब जो जो गायक मिल जाएंगे, फिलहाल में 2 गायक तो आके गा चुके हैं, अभी डबिंग हमारी बाकी है। जो जो भी गायक गाएंगे पहले नहीं बोलना इसलिए ठीक है कि पता नहीं, हाँ अभी जमाल जी भी गाए हैं, जो कमाल के बहुत अच्छे सिंगर हैं और हमारे साथ बचपन से ही बनारस से काम किए हैं, कंपोजिशन भी करते हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं, हिंदी में कई गाना गाया है इन्होंने और बहुत ही उनकी कला अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, गुरु जी का इतना आशीर्वाद मिल गया है इस फिल्म को और इतने अच्छे लिरिक्स मिल गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कभी भैया ने जैसे पहले बोला कि मन धन रंजन, मन का मनोरंजन ही सिनेमा होता है, तो वही सच्चाई है और उसी को ध्यान रख करके सिनेमा हम लोग बना रहे हैं। और गाना इतना अच्छा धुन, जैसा कि कवि जी ने बोला, जितने अच्छे बोल हैं लिखे गए, उतनी ही अच्छा कर्णप्रिय इसका धुन अजब भैया ने इसका बनाया हुआ है, और सारे गाने अच्छे हैं। गानों को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और स्टोरी की अगर बात करें, किस तरह की स्टोरी है इस फिल्म की, कुछ थोड़ा सा एक दो कहानी ऐसी है कि अगर मैं एक लाइन बोलने जाऊंगा तो पूरा इक्का खुल जाएगा इसका। ठीक,
तो बस इतना ही काफी है कि समझने के लिए कि जैसा टाइटल है हमारा लाल इश्क, लाल इश्क लाल खतरे का निशानी है, तो खतरनाक इश्क हुआ है, फाइट भी है, अब टाइटल ही एक्शन है तो रोमांटिक एक्शन मूवी है, और इसमें हम लोगों ने एक पूरी पोटली बनाई है दर्शक को देने के लिए। लाल इश्क लाल सलाम कुछ ऐसा, वो लाल सलाम तो नक्सली हो गया तब, लेकिन ये एक्शन लड़ाई इश्क को लेकर के है। हाँ तो और कितने गाने इसमें भी बाकी और कितने रिकॉर्ड हो चुके हैं? रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई है और हम लोग इसकी शूटिंग जो है कि एक जगह है नंदुरबार, और वहीं पे बड़ा ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो गाने के हिसाब से हमें जो चाहिए वो लोकेशन वहाँ पे मिला है, तो हम लोग वहाँ शूट करेंगे। गाने 8 गाने हैं, कभी ने जैसा पहले ही बताया, अलग अलग मूड के गाने हैं, अलग अलग मूड के सिंगरों से गवाया गया है, जो जिस मूड का सिंगर है उस मूड के गाने उसे दिए गए हैं, तो गाने पे काफ़ी मेहनत होगा। शूट कब से स्टार्ट होगा फिल्म का? शूट हम लोग अपना एंड ऑफ द दिस मंथ। इसी एक ही लोकेशन है या कहीं अलग और भी प्रदेशों में जाके करेंगे? नहीं, कहानी के हिसाब से हमारा वन शेड्यूल होगा, फिल्म को कंप्लीट करके वहीं पे आएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आजाद सिंह, भोजपुरी गीतकार, और बहुत प्यार है आप लोग का कि कुछ न कुछ मिलते रहता है, करते रहते हैं आप लोग के लिए। तो अभी आज एक फिल्म हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका टाइटल है लाल इश्क, और इसके डायरेक्टर हैं सुरेंद्र मिश्रा जी, जो कि बहुत सारी फिल्में एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी, एज ए स्टोरी राइटर भी लिखे हुए हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आपने दिनेश जी की, पवन जी की, खेसारी जी की, लगभग सब रवि जी की बड़ी बड़ी फिल्में की हुई हैं। अभी पहली बार डायरेक्शन कर रहे हैं, और अचानक एक दिन भैया मुझे बुलाए और ऐसे गाने वाने पे हम लोग बैठे थे और गाने वाने सुनाए हम लोग, तो गा के थोड़ा सा, मेरी भी आदत है थोड़ा बजा बजा के ऐसे ठेका वगा लगा के गा के सुनाता हूँ, तो भैया बोले कि म्यूजिक भी आप ही करो, तो बड़ा अच्छा सौभाग्य था कि मुझे, मैं इस फिल्म का म्यूजिक कर रहा हूँ और इसमें गुरुजी का बहुत प्यार दुलार है, जबकि हम गुरुजी और साथी में हमेशा काम करते हैं, गुरुजी मतलब प्यार गल कभी जी, तो अच्छा खासा काम हो गया है, अच्छा गाना बन गया है, और अच्छा कोशिश करने की कोशिश की है कि अच्छा म्यूजिक हो, लोगों को पसंद आए, जो भी मार्केट के सीनियर हमारे लोग हैं सबसे सीखा है हमने, थोड़ा थोड़ा सबसे कुछ कुछ पाया है, और उस चीज़ को इसमें मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। फिल्म का एक म्यूजिक जान होती है, तो कितना टाइम लगा आपको म्यूजिक तैयार करने में? म्यूजिक देखिए, ये तो मन की, आत्मा की बात है, मूड की बात है, मन की बात है, कब बन गया आपका मन, मन बन गया तो आप एक दिन में भी कर सकते हैं, नहीं बना तो आप दो दो तीन तीन महीने सालों भर नहीं कर सकते हैं। तो स्टोरी हम लोगों ने सुना तो बड़ा पॉजिटिव टाइप का लगा, तो बड़ा मजा आया सुनने में, तो कभी कभी अच्छे सिचुएशन मिल जाते हैं, अच्छी स्टोरी होती है, तो सुनने के बाद तुरंत माइंड में अच्छे मैटर आने लगते हैं, तो हमने उन्हें लिखा फटाफट और भैया को सुनाया गया तो पसंद आते गया, उसके बाद हमने कंपोजिशन करके तुरंत दिया, तो वही लगभग अभी 15-20 दिन से हम लोग लगातार अभी बैठे हैं इस काम पे, और बहुत अच्छा हो रहा है। अभी रिकॉर्डिंग 3-4 गाने की हो चुकी है, बाकी 2-3 गाने बचे हैं, और इसमें अनुज तिवारी जी भी 2 गाने का म्यूजिक किए हुए हैं, तो उनका पार्ट हो चुका है, मेरा बस 2-3 गाने का बचा हुआ है, बाकी चल रहा है अभी। थैंक यू सो मच। और किस तरह का सॉन्ग आपने गाया है इस फिल्म में बताएं? सबसे पहले हमारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, मेरा नाम आबिद जमाल है, और एज ए सिंगर मैंने इसमें 2 गाने गाए हैं, गाने बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपोज किए हुए हैं, और हमारे लिरिक्स राइटर प्यारेलाल यादव जी, कवि जी, उनका आशीर्वाद हमेशा से रहा है मेरे ऊपर, और इस फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र मिश्रा जी का बड़ा प्यार मिला, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कमाल के गाने उन्होंने कंपोज किए आज़ाद जी, तो बस आप लोग का प्यार। 2 लाइन हो जाए जो आपने गाना गाया है दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, एक सैड सॉन्ग अभी मैंने गाया तुरंत, जो इस फिल्म का है वही गाना। हाँ, जो इस फिल्म का है वही गाना मैं गा दे रहा हूँ। पक्का 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 पक्का।
दर 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 da ra ra ri da ra 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 iski hook line bahut pyari hai to khuda khatir jaan kasam hum lad jaib bhagwan se to khuda khatir jaan kasam hum lad jaib bhagwan se start ke lyrics sun bol rahe hook line bahut pyare hai aur ye bahut zabardast film hai Lal Ishq और मुझे यकीन है भरोसा है आप लोगों का प्यार मिलेगा स्नेह मिलेगा क्योंकि बहुत ही अलग हिसाब की मूवी है। कितने कितने गाने गाए हैं आपने इस फिल्म में? हमने दो गाने गाए हैं इसमें, एक सैड सॉन्ग आज का है और इसके पहले एक रोमांटिक गाया मैंने। थैंक यू थैंक यू। एक चीज फिल्म में जैसा कि हमारे हीरो हैं अजय दीक्षित जी, बेटा बाहुबली फेम उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी तो कहानी के हिसाब से उनको हमने कास्ट किया हुआ है हीरो में। और हमारे इसमें विलन है, पहली बार हम लोग भोजपुरी में ला रहे हैं सिरके साहब को, सिरके साहब गिंडा स्वामी जो तिरंगा में थे तो उनको लिया गया है। देव सिंह है, तो इस तरह से कास्टिंग भी बहुत दमदार हुई है फिल्म की। और हम आप लोगों को एक बात और सूचित करना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को और अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी शूटिंग होने वाली थी 25 से शुरू, लेकिन अचानक अजय जी की माता जी के आँख का ऑपरेशन आ गया और फिर थोड़ा अजय जी बहुत डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हमने जो 25 तारीख से शूट करने वाले थे इस फिल्म को लाल इश्क का, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन्ड किया है 4 दिन के लिए। अब हम लोग एंड ऑफ द दिस मंथ नेक्स्ट मंथ से 25 तारीख से शुरू करेंगे। इसकी अगर रिलीजिंग की बात करें तो कब तक ये थिएटर में आएगी, कब तक दर्शक इसको देख पाएंगे? हम लोग की कोशिश है, क्योंकि शूट करने के बाद बहुत सारा काम रहता है, उसका डबिंग है, एडिटिंग है, बहुत सारा वर्क रहता है, तो अब थोड़ा देखते हैं। अभी रिलीजिंग का अभी तो हम डेट नहीं बता सकते, बाकी तैयारी सब ठीक है। थैंक यू चलो लाल इश्क का सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, किस तरह का सॉन्ग आप गा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे देखने वाले सभी दर्शकों को अलका झा का सादर प्रणाम है। और आज बिल्कुल बहुत ही प्यारी फिल्म लाल इश्क, जिसके हीरो जो मैं बोल दीजिए तो चॉकलेटी हीरो हमारे अजय दीक्षित जी, बहुत ही प्यारी फिल्म, और मैं एक आइटम सॉन्ग उसमें रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, और बहुत ही प्यारा म्यूज़िक आज़ाद सिंह जी का, और ऑफकोर्स वो अच्छे राइटर भी हैं, तो राइटर भी मतलब गाना भी उन्हीं का है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी हिट जाए। कितने गाने गा रही हैं आप इसके? फिलहाल अभी तो मैं एक ही सॉन्ग गा रही हूँ जो आइटम सॉन्ग है, और अभी हाँ हम लोग एवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड नहीं किया है तो तैयारी पर है। रिकॉर्ड से पहले दो रिकॉर्ड से पहले हाँ बिल्कुल दो लाइन अगर हो जाए। देखिए गाना तो नहीं गा सकती क्योंकि इससे पहले मतलब इससे पहले आ चुके हैं तो उन्होंने भी दो लाइन तो सुना दी है, तो आप भी दो लाइन। हाँ बट उन्होंने गा लिया होगा तो सुनाया होगा। तुम मुझे एक्चुअली अभी गाना मिला नहीं है, बस मैं आई हूँ और जस्ट आप लोग पकड़ लिए इंटरव्यू के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ। सॉरी। और इसके अलावा क्या चल रहा है आप? अभी तो फिलहाल बहुत सारी बहुत ही प्यारी फिल्म अभी शेर सिंह आ रही है, मैंने तुझको सजन चुन लिया, उसमें मेरा बहुत ही हिट नंबर कल आई थिंक रिलीज हो जाएगा। रानी प्यार सुमार से करी है चुम्मा गगरी भर के लिए, ये पवन सिंह जी के साथ डुएट सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग रिलीज होगा, आई थिंक कल रिलीज होगा। तो और भी क्रिकेट फाइटर आ रही है, मतलब इस समय काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में मंदिर वहीं बनाएंगे आ चुकी है, आवारा बलम का बहुत ही प्यारा हिट सॉन्ग, आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बस लाइनअप है सारी फिल्में। और अभी दो तीन गाने आपके रिलीज हुए जैसा कि आप बता रही थी, तो उसके बाद अभी होली रिलीज हुआ है जो कि अभी मौसम स्टार्ट हो गया, बसंत पंचमी से होली का मौसम स्टार्ट हो जाता है, तो बस होली एक जी म्यूजिक से आया है और अभी एक वर्ल्ड वाइड से आया है, बाकी अभी दो तीन कंपनियां और हैं उनसे भी आना बाकी है। और इसके अलावा क्या चल रहा है प्रोजेक्ट? और इसके अलावा टिकटॉक चल रहा है। मतलब बड़ा क्रेज हो गया टिकटॉक का भी, बहुत क्रेज हो गया है। हाँ हम लोगों के लिए तो टाइम पास है फिलहाल, लेकिन जो एक्चुअली मेन तो एक्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, जो लोग एक्टर्स हैं तो उसमें अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं आई थिंक, तो
तो आप भी एक्टिंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, टिक टैक सबके लिए है, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।